Students, today in paint we are going to study about how to start paint window. तो आज हमारे lesson number 4 paint के अंदर हम देखेंगे कि start paint window को किस तरह से start किया जाता है. ठीक है, अब सबसे पहले तो paint होता क्या है. computer में एक application है, एक program है जो आपको drawing करने की, उसमें color करने की, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो विंडो किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं, पेंट विंडो हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं. स्टार्ट पेंट, स्विच ऑन द कंप्यूटर व्हेन यू सी द डेस्कटॉप ऑन द स्क्रीन. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे मॉनिटर पे शो होती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप. जैसे आप इमेज में देख सकते हो बहुत सारे आइकन्स के साथ ये जो इमेज नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के बॉटम लाइन में एक स्केल होती है जिसे कहते हैं टास्क बार. ठीक है, तो टास्क बार पे वहाँ पर यू विल गेट द स्टार्ट बटन. जैसी इमेज में आपको नज़र आ रही है, ये स्टार्ट बटन आपको लेफ्ट साइड पर मिलती है, बिल्कुल बॉटम में. उस पर क्लिक करने के बाद, जब हम उस पर क्लिक करते हैं, आफ्टर क्लिकिंग दैट इस तरह का मेन्यू नज़र आता है हमें. ऑन द स्टार्ट मेन्यू, इसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू. अब स्टार्ट मेन्यू में पॉइंट, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर इन ऑल प्रोग्राम्स, यू विल सी द सब मेन्यू. यस, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है ऑल प्रोग्राम्स. यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ माउस का पॉइंटर वहाँ लेके जाना है आपको. जब माउस का पॉइंटर आप वहाँ पर सिर्फ पुट द माउस पॉइंटर ओवर है, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस का पॉइंटर वहाँ लेकर जाओ. जैसे ही लेके जाएंगे तो वहाँ पर मिलता है एक सब मेन्यू जैसे इमेज में दिख रहा है. क्लिक ऑन द एक्सेसरीज फोल्डर, इट विल एक्सपांड टू शो यू अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स. तो जब हमने ऑल प्रोग्राम्स पे पॉइंट किया माउस का, तो उसके अंदर आता है सब मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू के अंदर सब मेन्यू. सब मेन्यू में आपको बहुत से फोल्डर्स और प्रोग्राम्स मिलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड. तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्सेसरीज. एक्सेसरीज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, मतलब पहले से अंदर जो है बिल्ड किए हुए होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हमें मिलते हैं एक्सेसरीज में. तो जब एक्सेसरीज में जाके हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स आपको इमेज में जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड. कैलकुलेटर, देन नोटपैड, वर्डपैड, ये सब तुम आप यूज़ कर चुके हो. तो इसमें पेंट भी आता है, तो क्लिक ऑन पेंट यू विल सी द पेंट विंडो ऑन द स्क्रीन. तो जब आप पेंट पे क्लिक करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप अपना कंप्यूटर में पेंट ओपन कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है. तो इस स्क्रीन को कहते हैं पेंट विंडो. ये पेंट विंडो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट ड्राइंग एरिया जो है बहुत स्मॉल दिख रहा है, राइट बहुत छोटा दिख रहा है. तो उसको किस तरह से बड़ा किया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैग हियर, ड्रैग हियर. तो दो उसके कॉर्नर्स हैं, आप कॉर्नर्स में जाइए, माउस का पॉइंटर ड्रैग कीजिए. ड्रैगिंग सबको आता है, क्लिक करना, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना और माउस को मूव करना. जब आपका काम पूरा हो जाए तो माउस को लीफ कर देना, तो उसे कहते हैं ड्रैगिंग. तो ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि जो ड्राइंग एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी थी पेंट विंडो. सो इन आर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पेंट विंडो इन डिटेल, और उसमें क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं वो सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.